और ये देखिए कि ये मस्जिद है, ये मस्जिद है हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से। ये उनके दौर की है, उन्होंने यहाँ पर तामीर करवाई थी। ये बंद है, खोलते नहीं है ये मस्जिद। ये मस्जिद याद करें आप, ये बिल्कुल दोनों मस्जिद एक साथ हैं और बिल्कुल हरम के साथ हैं। ये देखें, ये हरम का छठा नंबर गेट है ये, और ये सामने रोज़ा रसूलुल्लाह है। ये देखिए, ये दरवाज़ा है, छः नंबर दरवाज़ा है हरम एंटर होने का। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये मस्जिद शरीफ के साथ म्यूज़ियम है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं पुराने वक्त की, हरम पाक की, मस्जिद नबी शरीफ की, काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर। ये पहले तो दरवाज़ा और था, अब इन्होंने नया लगाया है। ये देखें माशाल्लाह, ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम। अभी बंद है, नमाज के बाद खोलेंगे। ये काफ़ी लोग आते हैं ज़ियारत करने के लिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नया दरवाज़ा लगाया इन्होंने फ्रंट पे। ये डेकोर यानी डेकोरेशन की है इन्होंने। और ये देखिए, ये मस्जिद है कुमामा। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुमामा। कुमामा एक अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बादल। मुख्तसर बताऊँ आपको, इसका वाकया ये है कि हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ईद का खुतबा दे रहे थे, इस मस्जिद में ईद का खुतबा। तो एक बादल आके हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ठहर गया, यानी कि छांक कर दी उसने, ताकि हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप की गर्मी ना पड़े। तब से इस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुमामा। कुमामा का मतलब है बादल। ये वो मस्जिद है, आप याद कर सकते हैं इस मस्जिद की। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये देखें, ये दरवाज़े हैं इनके मेन। अभी नमाज का टाइम हो गया है, तकरीबन 7-8 मिनट रह गए अजान होने में।